हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत आप सभी का एडुकेयर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 15 से 22 दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का हम लोगों का टारगेट है यहाँ पे 60 क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो वन लाइनर होंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट होंगे। यदि आप लोगों का कोई भी एक आगामी परीक्षा है आने वाला, तो आप इस वीडियो को जरूर से देख के जाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्त कि किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्त हम लोग का IIT मद्रास। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्त कि एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नई दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 में कौन टॉप पर रहा है। दोस्तों, तो ये रहा है दोस्तों जेनसेन हुआंग। ठीक है, जेनसेन हुआंग आप लोगों का सही जवाब है, जेनसेन हुआंग। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन तक मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है। तो ये आप लोगों की केरल की सरकार है। ठीक है, आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा केरल। चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहे कि किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड जीता है। तो ये जीते हैं दोस्तों आप लोगों के साइकुड रुइट। आप लोगों का सही आंसर है साइकुड रुइट। ठीक है, अगला है कि भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा। तो ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में होगा, सही आंसर है बांग्लादेश। अगला है प्रश्न दोस्त कि अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जनानी रामचंद्रन। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। तो ये की है दोस्तों आप लोगों की नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड आप लोगों का यहाँ पे सही जवाब है। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फ्यूचर 2023 कहाँ शुरू हुआ है। तो ये हुआ है दोस्त आप लोगों का मैड्रिड में। कहाँ पे? मैड्रिड में। अगला प्रश्न है दोस्त कि NDRF ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया। तो ये मनाया दोस्तों आप लोगों का 19 जनवरी को। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने भारत में गर्ल फॉर टेक STM पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है। तो ये किया दोस्तों आप लोगों का मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड यहाँ पे आप लोगों का सही जवाब है। किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा अभी की है। तो ये है न्यूजीलैंड की, है ना, प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री अभी इस्तीफा देने की ये बात की है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मार्शल आइसलैंड में किस भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों आप लोगों को, है ना, CB जॉर्ज को। किसको? CB जॉर्ज को। CB जॉर्ज यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है। तो ये बना है आप लोग का दोस्तों रूस। रूस यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अगला कि भारत के किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है। तो ये जीता है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने। ठीक है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने। अगला है कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है दोस्त, वर्ल्ड बैंक ने किस देश की दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है। तो ये दोस्तों आप लोग का पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान को यहाँ पे घोषित कर दिया है। चलेंगे अगले प्रश्न पे दोस्त। की कह रहा है कि किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रेड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया दोस्तों कृष्णा
बबी लाला को, किसको? कृष्णा बबी लाला को। अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? तो ये बना है दोस्तों अमेजन। क्या बना है? अमेजन। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे दोस्त। अगला प्रश्न है कि चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों आप लोगों का हैदराबाद में। कहाँ पे किया जाएगा? हैदराबाद में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति युगेन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया है? तो ये है दोस्तों आप लोग के वियतनाम के। कहाँ के हैं? वियतनाम के। आप लोगों का सही जवाब है वियतनाम। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो ये आप लोगों का त्रिपुरा में किया जाएगा दोस्तों, किया गया है। ठीक है ना, कहाँ पे? त्रिपुरा में। अगला है कि किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये जीते हैं दोस्तों विक्टर एक्सेलेशन। ठीक है, एक्सेलसन। ठीक है, विक्टर एक्सेलसन ने इन्होंने जीता है। अगला है प्रश्न कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में बने हैं दोस्तों आप लोगों का पंकज कुमार सिंह। ठीक है, पंकज कुमार सिंह आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों आप लोगों का उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो ये आप लोग का मिला है किसको? नानेरा को। किसको मिला है? नानेरा। यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? तो ये मिला है दोस्तों के वेणु को। किसको मिला है? के वेणु को। अगला है कि भारत और किस देश ने पांचवी विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है? तो ये क्या है दोस्तों आप लोग का? दक्षिण कोरिया और भारत ने। ठीक है, अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों आप लोग का बनारस के बस्ती जिला में। ठीक है, बनारस के कहाँ पे? बस्ती जिला में। यहाँ पे बस्ती में, बनारस के बस्ती में यहाँ पे आप लोग का किया है। ठीक है दोस्त, तो अगला प्रश्न है दोस्त कि ASI ने कहाँ 1200 साल पुराने स्तूपों की खोज की है? तो ये आप लोग का बिहार में की है। कहाँ पे? बिहार में। बिहार यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो ये आप लोग का चुना गया है आर बोनी ग्रेबियल को। किसको? आर बोनी ग्रेबियल को। अगला है कि किस प्रदेश की सरकार सभी ऑनलाइन सेवा समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? तो ये आप लोग की जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्र दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों श्रीलंका। ठीक है दोस्त, आप लोगों का श्रीलंका सही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? दोस्तों तो ये हो जाएगा आप लोग का सही जवाब इसका नीलाक्षी शाह सिन्हा को। नीलाक्षी शाह सिन्हा आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त। कह रहा है कि हाल ही में माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों आप लोग का पंजाब में। पंजाब आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी हुई सबसे अमीर एक्सटर्स की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है दोस्तों? तो ये रहा है दोस्तों आप लोग का जेरी सिनफेल्ड। आप लोग का यहाँ पे क्या है? सबसे क्या है? अमीर एक्टर्स की लिस्ट में ये सबसे टॉप पे हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है कि दोस्तों किसने 14वीं बार स्पेनिश कप जीता है? तो ये जीता है दोस्तों बार्सिलोना ने। ठीक है, बार्सिलोना यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों शुरू हुआ है भारत और किसके बीच में? फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस आप लोग का यहाँ पे इनके बीच में क्या किया गया है? वरुण आप लोग का यहाँ पे अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे कि हाल ही में 15वें इंडिया
यूके विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आप लोग की नई दिल्ली के अंतर्गत, कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला है कि किसने वुमेन आईपीएल के मीडिया राइट्स 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? तो ये दोस्तों खरीदे हैं कि वाईकॉम 18। ठीक है, वाईकॉम आप लोग का 18 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आप लोग का 16 जनवरी को। ठीक है, अगला है कि जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों आप लोग का शुरू हुआ है तमिलनाडु के अंतर्गत। ठीक है, तमिलनाडु में आप लोग का, तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं कि किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की है? तो ये किए हैं आप लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और ये चौथे नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि ओसेड ने किसे मुख्य अर्थशास्त्र नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों आप लोगों का किया है क्लेयर लोम्बार्डली। क्या है? क्लेयर लोम्बार्डली आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आप लोगों का स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जारी हुई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति रही है? तो ये आप लोग का 40% आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है कि G20 के तहत थिंक 20 की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये दोस्तों आप लोग को हुई है भोपाल में। भोपाल आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्त कि किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये है दोस्तों आप लोग कहाँ के, इटली के। इटली यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने किया है? तो मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाई है। ठीक है दोस्तों, अब तो आप लोग को याद रखना है, ये आप लोगों के इटली के हैं। भारत ने किस देश को पेंटावायलेट टीके दान करने की घोषणा की है? तो ये आप लोग का क्यूबा देश है। ठीक है, क्यूबा आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये आप लोग का असम में मनाया जाता है। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। या भोगाली कहाँ मनाया जाता है? भोगाली बिहू असम में मनाया जाता है। असम आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त कि इंडिया आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो ये किसको नहीं पता होगा, इंडिया आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसी से आप लोग याद रखेंगे। और पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है, इससे एक दिन पहले। ठीक है, 14 जनवरी को कब मनाया जाता है? पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को कब मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? तो ये बनेगा आप लोग का हिमाचल प्रदेश, आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने स्टार्टअप मेंटोरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आप लोगों किए हैं पीयूष गोयल। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल आप लोगों का यहाँ पे अभी लॉन्च किए हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न कि किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो ये जीते हैं जिंदल स्टील। कौन जीते हैं दोस्तों आप लोगों के? जिंदल स्टील आप लोगों का यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे कि साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? तो ये पहुंचा है दोस्तों आप लोगों का चीन के साथ। चीन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कहाँ के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्व अनुमान लगाने के लिए AI टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो ये आप लोग हैं दोस्तों आप लोग का मीट आप लोग का यहाँ पे सही करेक्ट है, सही जवाब है। ठीक है दोस्त, अगला है कि कौन सा देश सुयोज MS 23 अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भेजेगा? तो ये आप लोग का रूस देश है। ठीक है, कौन सा देश सुयोज MS 23 अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भेजेगा? तो ये आप लोग का रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने
अमेरिका के कंपास राज्य में सीनेट के रूप में शपथ ली है? तो ये आप लोग का है उषा रेड्डी, उषा रेड्डी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्त कि किस देश ने 2023 तक सेना को आधा करने की घोषणा बनाई है? तो ये दोस्तों आप लोग, ये है श्रीलंका, श्रीलंका आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट कहाँ स्थापित करेगी? तो ये आप लोग करेगी मुंबई में, यहाँ पे मुंबई आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों रहे आप लोगों का एक सप्ताह के करंट, और वीकली आप लोगों का करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा पास वाली, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ऐसे ही मिलेंगे जल्दी वीडियो में लेकर आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, जय भारत।